ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन शफल थे, मैं अपने हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ऐसे करके ले रहा हूं, आपको सिर्फ ऑप्शन से और क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, उनके सीरीज से नहीं। क्यों नहीं पता आदित्य? यहां पर पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन था, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया। इसमें तीन बच्चों के जवाब गलत हैं, श्रेयस, पीयूष एंड आस्था। आपने ऑप्शन नंबर 3 √3 दिया है, और जबकि आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर 1। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है, तो आंसर होगा √3/4, 4 × 4 कैंसिल होके आंसर आया 4√3 cm², दैट इज द करेक्ट आंसर। तो √3 कहाँ से आया? आई हैव नो आइडिया। जिस जिसने ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2 लगाया है वो देख लेना, ये फॉर्मूला होता है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, आस्था, पीयूष एंड श्रेयस, लिखते भी जाओ जाना, मैं वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप बाद में लिख लेना, ऐसा करना, अभी मत लिखो वरना देर हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसके बाद साइंस की क्लास है, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दे पाऊंगा। आपकी नहीं है साइंस की क्लास, 10th की है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वन, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 8 square centimeters, इट्स हाइपोटेन्यूज। एरिया दिया हुआ है राइट ट्राइंगल का और वो आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कभी भी इक्वल नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो परपेंडिकुलर और बेस है वो दोनों इक्वल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये दो साइड से इक्वल हो सकती है, ये इक्वल नहीं हो सकती कभी भी। तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, जो कि इक्वल दिया हुआ है 8 square centimeters के। ठीक है, यस, बीसी तो ए बी के इक्वल ही है, तो बीसी को ए बी लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी इक्वल टू 8 × 16 हो गया, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर्स। ये भी 4 सेंटीमीटर्स है, ये भी 4 सेंटीमीटर्स है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? हाइपोटेन्यूज के लिए पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करोगे, पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट गिव्स अस 32। तो √32 वुड बी आंसर। ये तो 7th क्लास के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इसमें ये पार्ट जो था ये आपका 9th क्लास का है, बाकी जो था वो 7th क्लास का है, पाइथागोरस थ्योरम। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें कि कैसे आया कैसे नहीं आया? प्लीज पूछ लो। वंश, मुकुंद, आस्था, यश, किसी को कोई भी इश्यू है तो पूछ लो। हाइपोटेन्यूज का कभी भी इक्वल नहीं ले सकते हैं, ये याद रखना, हाइपोटेन्यूज कभी भी लेंथ एंड सॉरी बेस एंड परपेंडिकुलर के इक्वल नहीं होती है। गॉट इट? ठीक है, रूट तो बोला नहीं, रूट बोलने की क्या जरूरत है? रूट बोलने की क्या जरूरत है बच्चे? कैलकुलेशन में रूट बोला नहीं है तो आप करोगे भी नहीं, आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, और आपको मैंने दो साइड्स दे दी। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको रूट करके निकालना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हाइपोटेन्यूज आप बिना रूट के निकाल दोगे। हाइपोटेन्यूज निकालने का एक ही तरीका होता है, अगर आपको दो साइड दे रखी है तो आप हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हो? ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपने ये दोनों साइड्स निकाल ली, उसके बाद में आपको बस हाइपोटेन्यूज ही तो निकालनी है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 + 16। रूट नहीं करोगे तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी? ए सी स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए हमें, ए सी स्क्वायर की वैल्यू अगर चाहिए होती तो वो हाइपोटेन्यूज नहीं लिखते, वो कुछ और लिखते कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बताओ। हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हमें दोनों साइड्स का रूट करना पड़ेगा, जिससे यहाँ बचे ओनली ए सी और यहाँ हो जाए 32 √। गॉट इट? हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, ए सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, दैट्स वाई हमने दोनों साइड्स का रूट किया। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल वाली कैलकुलेशन है ये बिल्कुल, कि हम हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट दी हुई है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट दिया है तो उनको आप एक्स के साथ में कॉमन मल्टीपल लेकर ऐड कर दोगे, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स होता है, विच इज इक्वल टू 150। 6 और 4 10 5 15, एक्स इक्वल टू 150। एक्स की वैल्यू 150/15, डेट इज 10। तो 10x की वैल्यू है, साइड्स की वैल्यू नहीं है। साइड्स की वैल्यू क्या होगी? 4 × 10, 5 × 10 एंड 6 × 10, दैट इज 40, 50 एंड 60 सेंटीमीटर्स। करेक्ट, ऐसे ही किया होगा आई होप सबने, कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा, कहीं से चेक नहीं किया होगा। बहुत सारे बच्चे हो आप में से ऐसे जो इधर उधर से देख भी लेते हो, बट आई एम श्योर ऐसे क्वेश्चंस देखने की आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी। यस सर, सबने बोला यस सर, देख लेते हैं, है ना, सबने इसी बात की जवाब दिया है ना, ये यस सर। नो सर, चलो ठीक है, गुड। नेक्स्ट वन, ये किस किस का गलत है? आस्था, वंश, मुकुंद, श्रेयस, यश, संस्कृति। इन अ ट्राइंगल, किसी ट्रायंगल में आपको ये तीन वैल्यूज दी हुई है और सेमी पेरीमीटर एस के इक्वल दिया हुआ है। आपको बताना है 3√15 है तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ऐसे केस में आप सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि ये जो वैल्यूज होती हैं ये किस फॉर्मूला में आती हैं। आपको एरिया दिया हुआ है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। करेक्ट, वैल्यू पुट कर लेते हैं एरिया के प्लेस पर, तो एरिया की वैल्यू जो कि है 3√15। एस की वैल्यू हमें नहीं पता, एस ऐसे ही रहने देते हैं। एस माइनस ए की वैल्यू पता है विच इज 5, एस माइनस बी की वैल्यू पता है विच इज 3, एस माइनस सी की वैल्यू पता है विच इज 1। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, ये ऐसे है ठीक है, 5 नहीं है, तो आंसर आएगा 15s। दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेते हैं जिससे कि रूट हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं जिससे कि रूट हट जाए। तो ये हो जाएगा 9 × 15 और ये हो जाएगा 15 × s। 15 से 15 कैंसिल, तो s की वैल्यू आ गई 9। s क्या होता है? ये अभी आगे क्वेश्चन आएगा, बहुत बच्चों ने गलत कर रखा है। s होता है सेमी पेरीमीटर, मींस आधा पेरीमीटर। अगर आधा पेरीमीटर 9 है तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा बता सकते हो? इफ हाफ द पेरीमीटर इज 9 तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा? हाफ का डबल, यस 9 का डबल, डेट इज 18। तो इसका आंसर होगा 18 सेंटीमीटर्स। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर्स। अगेन आप ये सोचोगे हमें क्या पता कि इसमें हमें हेरॉन्स लगाना था या क्या लगाना था, बिल्कुल नहीं पता आपको। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हैं उनको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने वाली वैल्यूज से रिलेट करना सीखो। आपको ये जो वैल्यूज दी हैं साफ पता चल रहा है कि ये हेरॉन्स फॉर्मूला की वैल्यूज हैं। और क्या हम हेरॉन्स फॉर्मूला से पेरीमीटर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें अगर एस की वैल्यू पता चल जाए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमें पेरीमीटर पता चल जाएगा। मुझे भेजना आदित्य, आई विल बताइए लियो कि कहाँ पर गड़बड़ हुई। ठीक है, जिस जिसको लगता है उन्होंने ऐसे ही किया था लेकिन आंसर नहीं आया, प्लीज सेंड मी योर सॉल्यूशन, मैं बताऊंगा कि कहाँ पर गड़बड़ करी है। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को या नहीं? डबल करना भूल गए संस्कृति, है ना, जिस जिसने 9 आंसर दिया है वो डबल करना भूल गए आई गेस, ऐसा ही हुआ था या गैस वर्क था? ओके, ध्यान रखना एस हमेशा आधा पेरीमीटर होता है। ठीक है, जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का, जो कि आपने अभी आगे गलत भी किया होता है, वो 2s के इक्वल होता है, ट्वाइस द सेमी पेरीमीटर। तो जब भी आपके पास एस की वैल्यू है और पेरीमीटर निकालना है, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट। नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते बच्चे। अगर आप यहाँ पर ये लिखा है और यहाँ पर लिखा है √15s, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि √15 से √15 और s की वैल्यू 3 आ गई है, कुछ आ गई। नो,
स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको पहले, या फिर आप ऐसा करोगे, अगर करना भी चाहते हो तो यू कैन डू डैट, 3 रूट 15 इक्वल्स टू, ये रूट 15 एस था तो इसको अलग अलग लिखो फिर, मीन्स रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय रूट एस, फिर रूट 15 से रूट 15 कैंसिल, तो रूट एस की वैल्यू 3 आई, ये रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 9, देन यू कैन डू डैट एज वेल। हाँ, तो रूट एस फिर स्क्वायर करोगे, रूट एस का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, रूट एस का स्क्वायर एस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का डबल करोगे तो 18 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या क्या वैल्यू दे रखी है, हमें क्या पता इसका क्या करना है। सो ट्राई करके देखो, रिलेट करो ने, आपको आंसर मिल जाएगा। आस्था, आदित्य, मुकुंद, पीयूष, श्रेयस एंड यश, द बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली 6 एंड 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, इट्स एरिया इज, बेस एंड हाइपोटेन्यूज को ही मल्टीप्लाई कर दिया, फिगर बना लिया करो अगर आपको कंफ्यूजन होता है। हाइपोटेन्यूज का यूज हम कभी भी एरिया फाइंड आउट करने में नहीं करते हैं। आपको दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज और दिया हुआ है बेस, तो पहले आप ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी के प्लेस पर ए सी की वैल्यू, ए बी के प्लेस पर ए बी की वैल्यू जो कि हमें नहीं पता, बी सी के प्लेस पर बी सी की वैल्यू, तो इनको इधर ले आओगे 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 36 डैट इज 84, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट करके कितनी, 8, सॉरी 8, ये आ गई 8, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं ये। फिर इसका एरिया आप निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, 2 3 जार 8 3 जार 24, सो आंसर इज 24 नॉट 60। बच्चों ने क्या किया, 10 इंटू 6 कर दिया, बेस इंटू हाइट, पहली बात तो ये बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का नहीं होता, किसका होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है। दूसरी बात है, हाइपोटेन्यूज कभी भी ना तो बेस होता है ना हाइट होती है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड लेते हैं हमेशा हम, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड अगर आप इसको बेस कंसीडर कर रहे हो तो हाइट भी इसी पर बनी हुई लोगे आप, इसको कहीं और को नहीं ले सकते हो, क्लियर, या कोई प्रॉब्लम है? बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से ही ये हो रहा है जो गलत हुए अभी तक सो फार, कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी की कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हुई होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अभी तक तो आए नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो। जहां पर भी गड़बड़ हुई है वो कहाँ पर हुई है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो या फिर आपको पता नहीं है कि किसको कहाँ पर क्या लेना है, दैट्स इट। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर पूछना है किसी को कुछ, प्लीज बताइए, पूछना है या आगे बढ़े, बताओ बताओ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर 5 एंड 12, देन द थर्ड साइड इज, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी थी पीयूष, ऐसे छोटे क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे हो इजी इजी, तो क्या करोगे? आस्था एंड यश, पीयूष आस्था एंड यश, दो साइड्स आपको राइट ट्राइंगल की दे रखी हैं 5 एंड 12, तो तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। इसमें तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इनके साथ में मैच करके देखना है कि ये आंसर किससे आ जाएगा। आई नो बहुत सारे बच्चे इसमें कहते हैं, सर हमें क्या पता हाइपोटेन्यूस है या नहीं है क्या है। देखो ये तो हाइपोटेन्यूस हो नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस कभी भी बाकी साइड से छोटी नहीं होती है, तो दिस कुड बी हाइपोटेन्यूस और बेस। अब आपको देखना है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पाइथागोरियस ट्रिपलेट जो है उनमें फिट बैठ जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो पहले हम नहीं हो सकती है को देखते हैं, क्या 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर इनमें से किसी के इक्वल होता है, अगर हम इससे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करें। 25 प्लस 144 विच इज 169, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है, तो ये तो दिया हुआ है आंसर 13, 4 का स्क्वायर 16 तो आ ही नहीं सकता है ना, 17
स्क्वायर 49 भी नहीं आएगा, 17 का आ सकता है, लेकिन 13 ऑलरेडी आ चुका है तो हम क्यों करें। सो यूज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और पाइथागोरस थ्योरम का हमने इसमें यूज किया है, जो कि अभी आपके कोर्स में है भी नहीं, मींस कोर्स में एज इन आप पिछली क्लासेस में कर चुके हो, 9th में तो आपको बताया भी नहीं गया है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतनी बार आप कर चुके हो तो आपको ये तो पता ही होगा। जैसे 1 + 1 2 करना नहीं सिखाते हैं 9th में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके कोर्स का नहीं है। ऑब्वियसली आप बचपन से करते आ रहे हो तो ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि 9th में आपको फिर से उसको रिवाइज कराना पड़ेगा कि भाई 1 + 1 2 कैसे होते हैं, या फिर क्यों होते हैं, या एबेकस का यूज कराया जाए। जो पिछली क्लासेस में आप कर चुके हो उनको भी याद रखो, वो भी आपके कोर्स का ही हिस्सा है। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो 2 को 3 से, ही आप कहने लगो हमें तो कोर्स में नहीं बताया कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप ऑलरेडी करते आ रहे हो तो वो आपके कोर्स का हिस्सा है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन था, इसमें 3 बच्चों के आंसर गलत। 3 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज। इसमें आपको सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना था और कॉस्ट से मल्टीप्लाई करनी थी। 9 पैसा का मतलब, एक तो ये याद रखना, 9 पैसा का मतलब है 0.09 रुपीज। कभी आप 0.9 रुपीज कर दो इसे। 9 पैसा मीन्स 0.09, नॉट 0.9। नो, 0.9 का मतलब होता है 90 पैसे। ठीक है, अगर इससे किसी की गड़बड़ हुई होगी, डेट्स वाई मैंने बताया। बाकी आपको करना क्या था, सिंपली आपको एरिया कैलकुलेट करना था। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगा सकते हो, यू डोंट नीड टू अप्लाई हेरॉन्स फॉर्मूला। आप देख सकते हो ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। देखो ये बेस या हाइट तो नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है, मीन्स हाइपोटेन्यूस होगी। तो बच्चे क्या, बेस और हाइट ये दोनों, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 0.09 से या 9/100 से, रुपीज में क्योंकि आंसर देना है तो 9/100 से कर दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आंसर आएगा। 9 को इससे मल्टीप्लाई करी, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, और 2.16। 2.16 इज द करेक्ट आंसर, 2.16, नो वंश, 2.16 आएगा आंसर। यहाँ पर क्यों करेक्ट दे रखा है फिर तुमने नालायक, अगर तुम्हारा आंसर 2.48 है अब, तो यहाँ पर 2.16 क्यों है, देख कर किया था। ओके चलो ठीक है, फाइन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इसमें किस कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बस ये बताओ मुझे कि किस किस ने इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई किया था। हेरॉन्स फॉर्मूला किस किस ने अप्लाई किया, कितने हो आप में से जिन्होंने हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करके किया। वो गलत नहीं है, मैं जस्ट जानना चाहता हूं कि किस किस ने किया, क्योंकि देखो एमसीक्यूज हैं तो आपके लिए टाइम मैटर करता है ना, तो आपको यहाँ पर प्रूफ करके तो नहीं दिखाना कि ये क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो अगर आपको साफ साफ दिख रहा है दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो आप डायरेक्टली उनका आंसर विदाउट हेरॉन्स फॉर्मूला के भी निकाल सकते हो। देखो इसमें आपने एस निकाला होगा, फिर ये किया होगा, बट यहाँ पर जब आपने अगर ऑब्जर्व किया होता तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, जिसमें लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस होगी, बाकी 2 साइड्स ये होंगी, तो इसका एरिया तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर दो। सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, सो यू कैन डू दैट एज वेल। ओके तन्वी, सो यस, ओके तन्वी, हाँ ऐसे इस वाली मेजरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये वाली मेजरमेंट के आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे, इनफैक्ट शायद मेरे ही इसमें 2-3 क्वेश्चंस हो ऐसी मेजरमेंट के। ये 6, 8 और 10 का, 12, 13 का जो है
कॉम्बिनेशन ये आपको बहुत मिलेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला। तो समझ जाओ ये थोड़े आपके माइंड में बैठ जाने चाहिए कि अरे ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो इसमें हम हाफ बेस इनटू हाइट का यूज कर सकते हैं। आपने अगर हेरॉन से भी किया है तो गलत नहीं होगा, बस मैं आपके टाइम को मैनेज करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आंसर इसका। ये वाला आंसर मैंने किसी का मार्क गलत नहीं किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं या फिर वो दिया नहीं है। अगर आपको पता होगा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही है तो इसका एरिया क्या होगा, क्या आप बता सकते हो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है इसका एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का? सेम वही क्वेश्चन है। यस, इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये गलत क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड। स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड का मतलब है हम जब भी स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड कैलकुलेट करते हैं किसी भी ट्राइंगल का, तो वो ऑल्टीट्यूड होता है लॉन्गेस्ट साइड पर बना हुआ। ये लॉन्गेस्ट साइड होगी, ये जो है ये तो 10 सेंटीमीटर्स है, ये 8 मान लिया और इसको 6 मान लिया। ठीक है, तो अगर आपको स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस के प्लेस पर 10 पुट करोगे और एरिया के प्लेस पर एरिया पुट करोगे, उससे हाइट निकालोगे। और अगर आपको लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप बेस के प्लेस पर सबसे छोटी साइड पुट करोगे और एरिया के प्लेस पर एरिया पुट करोगे। ये एक लॉजिक होता है, फॉर्मूला नहीं, लॉजिक होता है कि अगर आपका ऑल्टीट्यूड सबसे छोटा फाइंड आउट करना है तो आप बेस क्या लोगे? लॉन्गेस्ट साइड। और अगर आपको ऑल्टीट्यूड सबसे बड़ा फाइंड आउट करना है तो आप बेस क्या लोगे? शॉर्टेस्ट साइड। तो इस हिसाब से हमें स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हाफ बेस इंटू हाइट जो कि हमने निकाला एरिया 24, उसमें हम बेस को क्या कंसीडर करेंगे? 10 कंसीडर करेंगे। तो आंसर इस केस में क्या आएगा? 4.8, जो कि इसमें से कोई भी नहीं है। यस, दैट्स व्हाई मैंने किसी का मार्क ना तो गलत किया है ना सही किया है फिलहाल, तो ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है एक्चुअली। स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड जो होगा इसका 4.8 होगा, ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड। ठीक है, सो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ, बट ये चीज आपको याद रखनी है। अगेन लेट मी टेल यू कि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है, स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस को सबसे बड़ी वाली साइड रखोगे, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। वही बता रहा हूँ वंश, सपोज करो आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत आता है ऐसा, बट वो अच्छे ऑप्शन देंगे, ऐसे गलत गलत ऑप्शन नहीं देंगे। सपोज करो यू हैव दिस ट्रायंगल, ये मैंने पहले भी बताया था, अगेन बता रहा हूँ, इस ट्रायंगल में ये 3 साइड्स हैं ए बी सी। ये साइड तो है आपकी सपोज करो 6 सेंटीमीटर्स है, ये 7 सेंटीमीटर्स है और ये है 10 सेंटीमीटर्स। फाइन, तो अगर आपको पूछा जाए इस ट्राइंगल का स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड बताओ, तो सबसे पहले तो आप इसका एरिया फाइंड आउट करोगे, हेरॉन से या किसी से भी एरिया फाइंड आउट करोगे, फिर उस एरिया को आप हाफ बेस इंटू हाइट के इक्वल रखोगे इस फॉर्मूला के। उसमें फिर बेस जो आप लोगे, अगर आपसे स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछा है तो बेस आप लॉन्गेस्ट साइड को पुट करोगे, मीन्स बेस के प्लेस पर 10 होगा, एच तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, और एरिया के प्लेस पर एरिया सपोज करो इसका एरिया 24 था तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, तो इसे आप ट्रांसपोज करके हाइट निकाल दोगे। ठीक है, और अगर आपको लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, तो एरिया के प्लेस पर एरिया पुट करोगे विच इज 24, हाफ के प्लेस पर हाफ,
एरिया फाइंड आउट करना है वंश, अभी क्या बोला मैंने, यू हैव टू फाइंड आउट एरिया। जब थ्री साइड्स दी हैं तो क्या आप एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते? प्लीज केयरफुली सुना करो, लिसन एक्टिवली। व्हाट डिड आई से कि पहले आप एरिया फाइंड आउट करोगे, फिर उसको हाफ बेस इनटू हाइट के इक्वल रखोगे। एरिया फाइंड आउट करो किसी भी तरह से, अगर नहीं फाइंड आउट कर सकते हो तो फिर आप ऑल्टीट्यूड भी नहीं फाइंड आउट कर सकते, फिर वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, एरिया पहले फाइंड आउट करोगे, फिर आप उसको हाफ बेस इंटू हाइट के इक्वल रखोगे, जिसमें आप बेस को अकॉर्डिंगली रखोगे। बेस को अकॉर्डिंगली रखोगे का मतलब है, अगर आपको शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड पता करना है तो बेस को आप लॉन्गेस्ट साइड के साथ में रखोगे, मीन्स लॉन्गेस्ट साइड को बेस के प्लेस पर रखोगे, और अगर आपको लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है तो शॉर्टेस्ट साइड को बेस के जगह पुट करोगे। दैट्स द आइडिया, ये आपको पहले भी बताया था। गॉट इट? क्वेश्चन में सब कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको भी कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, जिसमें बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है आंसर। लेट मी शो यू कि ये कैसे करना था। आई होप जिस जिसने सही आंसर्स दिए हैं वो गैस वर्क नहीं था। यहाँ पर पैरीमीटर दिया हुआ है 20, प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो पहले इसको लिख लो, देख लो चलो कैसे सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ दीज वैल्यूज का मतलब है एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 30 सेंटीमीटर क्यूब्स। ये नहीं भी लिखो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसको, चलो ठीक है, कंफ्यूज करेगा ये आपको। और आपको दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 20। अब अगर मैं एस निकालने के लिए बोलूं आपको, तो एस की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। यस, अब आपको एरिया भी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यस एरिया का फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें हमें सबकी वैल्यू पता है, इन तीनों का प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 30 है, तो इनके प्लेस पर 30 पुट कर दिया। मल्टीप्लाइड बाय एस की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 पुट कर दिया। ऐसे ही है या कुछ और है? पक्का देख लो, सही कर रहा हूं मैं? फिर पिटाई होगी सबकी अगर बाद में बोला अच्छा हाँ ये तो हमने गलत कर दिया। अभी मैंने बताया था सेमी पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर। यहाँ पर देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ही दिया हुआ है 20। इसका मतलब क्या है कि एस की वैल्यू ही 20 दी हुई है, एस इज नॉट 10। हाफ द पेरीमीटर का मतलब सेमी पेरीमीटर, दैट इज 20, तो एस की वैल्यू ये नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सी कि आप क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ते हो या नहीं करते हो। क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाफ दी पेरीमीटर, हाफ दी पेरीमीटर का मतलब है एस की वैल्यू दी हुई है कितनी, 20। अब आप एरिया में इसको पुट करोगे, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हमें एस की वैल्यू भी पता है डेट इज 20, हमें इन तीनों के प्रोडक्ट की वैल्यू भी पता है डेट इज 30। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 600 या 6 × 100। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 6 अंदर रह जाएगा, तो आंसर आया 10√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, इतना इजी क्वेश्चन था, सारी वैल्यूज आपको दी थी, सब बस आपको हेरॉन्स फॉर्मूला में पुट करनी थी, दैट्स इट। ना आपको ए कैलकुलेट की जरूरत, कई बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि हमें साइट तो पता नहीं है कि तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बट आपको साइट की जरूरत है ही नहीं, आपको उसने फॉर्मूले की सारी वैल्यूज दे रखी हैं। फॉर्मूले में आपको एरिया के लिए एस चाहिए, वो भी आपको दिया हुआ है, फॉर्मूले में आपको एस माइनस ए चाहिए, वो भी दिया है, एस माइनस बी भी दिया है, एस माइनस सी, मीन तीनों का ही प्रोडक्ट दिया है। तो
यस, आपको सिर्फ स्क्वायर रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकालनी है, ठीक है? हाँ जी, मैं बोल नहीं रहा था, सॉरी, मेरी कैट अंदर आ गई थी तो उसको बाहर कर रहा था, अदरवाइज वो कीबोर्ड पे पियानो बजाती है और आपको फिर जंबल वर्ड्स दिखाई देते। चलिए ठीक है, सो इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। यस, मेरे पास बच्चे कैट है। पैरीमीटर, ये आपको पता चल गया 2s का मतलब क्या होता है? वॉट इज ट्वाइस ऑफ एस? बताओ, इतना सारे आंसर्स गलत हैं। ट्वाइस ऑफ एस का मतलब क्या होता है? देखो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यस, पैरीमीटर होता है, देखो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पैरीमीटर का ट्वाइस यानी कि पैरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू जो होता है वो एस के इक्वल होता है, तो उन्होंने एस नहीं पूछा, 2s पूछा है, तो ये नहीं हो सकता। सेमी पेरीमीटर ऐसे ही होता है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज नहीं है क्योंकि ये आंसर ऑलरेडी यहाँ पर है। यस, पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ एस, हमेशा याद रखना, ट्वाइस ऑफ एस दिया है तो दैट इज पेरीमीटर। हेरोन्स फॉर्मूला के रिगार्ड ही बात हो रही है, बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी किसी चैप्टर में ऐसा आ जाए तो उसे आप सोचो सेमी पेरीमीटर दिया है, नो, दैट इज डिफरेंट, दैट कुड बी डिफरेंट, ये भी हो सकता है बट ऐसे जरूरी नहीं है। तुमने पैरामीटर ही किया था, यहाँ लिखा है बच्चे सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, मैंने तो ऑप्शंस देखकर, ये कॉपी पेस्ट करे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि टाइपोग्राफिकल एरर हुई हो। ओके, बाद में कर दिया, ठीक है। नहीं बच्चे, कॉन्फिडेंट तभी होगे ना जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमने पहले ये किया था लेकिन बाद में डाउट था, डाउट नहीं होना चाहिए, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर, मैथ्स में वो भी बहुत मैटर करता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, बस एक्स और वाई के प्लेस पर वैल्यूज पुट कर देते हो, यही करते हो या कुछ और करते हो? 4 के प्लेस पर 4, एक्स के प्लेस पर 7, ए के प्लेस पर ए, वाई के प्लेस पर 5 प्लस 8, 4 7 28, 28 माइनस 8 5a, तो आंसर कितना आया? 20 आया, और उसको 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4 आया, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। श्रेयस तुम्हारा गलत है, बाकी सबका सही है, तो इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आई होप, कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना प्लीज, कट्स द एक्स एक्सिस और कट्स द वाई एक्सिस, ये चीज ध्यान रखनी है। जिन्होंने ये आंसर दिया है जैसे वंश एंड तन्वी, आपने आंसर दिया एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 3, ये इस इक्वेशन को बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, आई नो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें वो पॉइंट बताने जो एक्स एक्सिस पर हो। अब आपको पता होगा एक्स एक्सिस पर जब कोई पॉइंट होता है तो उसमें वाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, यस और नो?
एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो वाई की वैल्यू क्या होती है? वंश, जीरो ही होती है ना। तो ये देखकर ही आपको पता लग जाना चाहिए कि जिस जिसमें वाई की वैल्यू जीरो नहीं है वो ऑप्शन तो हमारे होंगे ही नहीं। इनको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसने वाई की वैल्यू जीरो वाला पॉइंट पूछा है। बाकी बचे ये दोनों ऑप्शन, इनको फिर आप पुट कर करके देख लो आंसर क्या आएगा। एक्स इक्वस टू फाइव, वाई इक्वस टू जीरो। ठीक है, अगर उन्होंने पूछा होता कट्स द वाई एक्सिस तो हम वो ऑप्शंस लेते जिसमें एक्स की वैल्यू जीरो होती, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस लेते उस केस में। ये चीज ध्यान रखनी है, आपने जो ऑप्शन चूज करे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कौन सा पॉइंट पूछा है जो वाई एक्सिस पर कट करेगा, यानी कि वाई एक्सिस पर लाई करेगा, सॉरी एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट कट करेगा जिसमें वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आपको वो ऑप्शन चूज करने हैं जिसमें वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। गॉट इट? आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपका ऑप्शन क्यों गलत हुआ। तुम्हें क्यों नहीं पता चलेगा? क्वेश्चन में लिखा तो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बच्चे क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तब तो आप कोई सा भी ऑप्शन चूज करो, डजेंट मैटर, वो बस सेटिस्फाई करना चाहिए। क्वेश्चन में देखकर पता चल जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कट्स द वाई एक्स एक्सिस। कट्स द वाई एक्स एक्सिस का मतलब है जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट बना रही है, यानी कि एक्स एक्सिस का पॉइंट है, मीन्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और अगर बोलता कट्स द वाई एक्सिस तो उसका मतलब है वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, मीन्स एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ये फिक्स होता है, अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वाई की वैल्यू जीरो ही होगी, और अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो आप इससे देखकर पता लगा लोगे कि आपको कौन सा पॉइंट चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, इसी वजह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं था। हाँ, उस केस में वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन फिर वो दो ऐसे पॉइंट नहीं देते, दो ऑप्शन ऐसे नहीं देते जो इसको सेटिस्फाई करते, फिर वो कोई एक ही ऑप्शन ऐसा देते जो इसको सेटिस्फाई करता। बट अगर इतने इजी क्वेश्चन क्यों देंगे, तो इसलिए ये कैच था इसमें, इसी से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो गया। अगर ये नहीं पता है किसी को तो बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा, पता है तो फिर थोड़ा सा सोचोगे आप और आंसर करेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट वन, इसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जिसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट है, मीन्स वेरिएबल्स ओनली टू ही हैं, और टू वेरिएबल वाली इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज इट हैव? जीरो नहीं होते हैं आदित्य, यस इनफाइनाइट होते हैं। अर्नव बच्चे, मैंने तो उसमें से ही कॉपी किया है बच्चे, मैंने टाइप नहीं किया है, तो आपने या तो गलती से ऊपर नीचे आपका ऑप्शन हो गया होगा, टू सॉल्यूशंस ही आ रहा था उसमें आपका। अगर आपको पता है कोई बात नहीं, इफ यू नो तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल में तो आप सही करके आओगे इसका मतलब। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे मेन मकसद क्या है, मार्क्स का या गलत का नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने गलती से चूज कर भी लिया तो स्कूल में ध्यान रखना कि आप ठीक ऑप्शन चूज करो। फाइन, आदित्य, ओके ठीक है, वो जीरो जीरो इनफाइनाइट का साइन था, ओके गॉट इट। नाउ तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हमेशा कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं हमेशा। तो इसका आंसर, ये तो क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यस, मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में समझाया था, गुड, आपको याद है। यस आदित्य, चलो ये पॉइंट है, इसमें गलत क्यों हुआ, आपको सिर्फ पॉइंट पुट कर करके देखना था। लेट मी शो यू सबके आंसर। अगर हम 2x इक्वल्स टू वाई में x के प्लेस पर a a अपॉन 2 पुट करें और y के प्लेस पर a, तो क्या दोनों इक्वल आते हैं? बिल्कुल आते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। चलो सेकंड वाला देखते हैं, x के प्लेस पर a अपॉन 2 पुट करें और y के प्लेस पर a, तो क्या दोनों ऑप्शंस
दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, बिल्कुल नहीं आती, तो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड वाले में एक्स के प्लेस पर ए अपॉन टू, वाई के प्लेस पर ए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ वाले में एक्स के प्लेस पर ए अपॉन टू, वाई के प्लेस पर ए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? ये होगा। इसमें तो सिर्फ वैल्यूज आपको पुट करनी थी, आप वैसे भी देख सकते हो क्या ट्वाइस ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। बिल्कुल है, अगर हाफ का ट्वाइस करोगे तो वन आता है, वो ये है, ए के हाफ का ट्वाइस करोगे तो ये आता है, या आप वैल्यूज पुट कर करके देख लो, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। इसमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए था बच्चे, जिसमें आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी थी और देखना था कि आंसर किससे एलएचएस आरएचएस के इक्वल आता है। तो इतने सारे बच्चों का गलत क्यों हुआ? एक्स इक्वल टू टू वाई, सबने बस ऐसे ही अज्यूम किया कि ये इसका ट्वाइस है। एक्स वाई का ट्वाइस थोड़े ही है, वाई इज ट्वाइस ऑफ एक्स है, वाई इज ट्वाइस ऑफ एक्स है इस केस में। आप ध्यान से देखो, एक्स अगर हाफ है तो वाई पूरा यूनिट है, सिंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वाई इज ट्वाइस ऑफ एक्स, वाई इज ट्वाइस ऑफ एक्स, ना कि एक्स इज ट्वाइस ऑफ वाई। क्या आपको एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू की ट्वाइस लग रही है? नहीं, हाफ है। अगर हाफ लिखा होता तब ये सही होता, एक्स इज हाफ ऑफ वाई एंड वाई इज ट्वाइस ऑफ एक्स है, ध्यान से देखना है। और अगर कंफ्यूजन होता है तो प्लीज वैल्यू पुट कर करके देख लो। यू हैव आंसर, यू हैव क्वेश्चन, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है, यू कैन डू डैट, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है? और चार ऑप्शन है, उसमें से एक ही आंसर होना है, तो जिस भी ऑप्शन पे आपका करेक्ट आ जाए, जो कि फर्स्ट टाइम में आ जाता है, तो बाकी थ्री चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको। समझ आ गया? जिस जिसका गलत है प्लीज बताओ। आई नो इसमें कंफ्यूजन यही हुआ है सबको कि एक्स इज ट्वाइस ऑफ वाई। नो बच्चे, एक्स इज हाफ ऑफ वाई है, वाई इज ट्वाइस ऑफ एक्स है, डिफरेंस है दोनों में। फाइन, ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को। चलो नेक्स्ट वन इज, 1 - 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस देन पी की वैल्यू। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें भी गलत क्यों हुआ? आई डोंट नो। आपको सिर्फ एक्स के प्लेस पर एक्स की वैल्यू, y के प्लेस पर y की वैल्यू पुट करनी थी, तो 2 + 2 दैट इज 4। इसमें भी गलत क्यों हुआ? आस्था, आर्यन, आदित्य, पीयूष, शायद माइनस प्लस की गड़बड़ हुई है आई गेस। जिस जिसने 4 आंसर, सॉरी 0 आंसर दिया है, उनकी तो मैं समझ सकता हूँ माइनस प्लस की गड़बड़ हुई है, प्रोबेबली माइनस माइनस प्लस नहीं किया या समथिंग लाइक दैट। -5 क्यों आया है वो मुझे नहीं पता, वो बिल्कुल प्योरली गैस वर्क लग रहा है कि चलो तुक्का लगा देते आंसर आ जाएगा। -3 भी क्यों आ रहा है वो भी नहीं पता, या तो आपने ऐसे ही ऐड कर दिया, ठीक है? साइन का बहुत ध्यान रखना है बच्चे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 + 2, ठीक है? ऐसा नहीं करना है 2 - 2 0 हो गया, बहुत जल्दी जल्दी में ऐसा रख देते हैं बच्चे, यहाँ पर साइन नहीं लगाते, यहाँ पर कुछ और कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चतुर, कौन चतुर है बच्चे? चार चतुर, कहानी है इसकी एक। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेट मी शो यू ग्राफिकली। अगर आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वही लाइन होगी जो वाई एक्सिस से पास होती होगी, मीन्स उसमें वाई की वैल्यू कुछ होती होगी, ठीक है? और वाई एक्सिस के पैरेलल वो लाइन होगी जिसमें सिर्फ एक्स होगा, जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी। तो इनमें से देखो, वाई वाले को तो कर दो, वाई वाला देखो 0 है, लेकिन हमें नहीं पता वाई की वैल्यू 0 का ग्राफ कहाँ पे पुट होगा, यहाँ पर पुट होगा, हमें एक्स नहीं पता। वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट होगी कहीं पर, तो ये किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के होगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी इक्वेशन है जो किसके पैरेलल होगी? वाई एक्सिस के, और वाई एक्सिस के पैरेलल वही वैल्यू होगी जिसमें वाई नहीं होगा, सिर्फ एक्स होगा। ऐसी कौन सी इक्वेशन है? ओके, अगेन समझा देता हूं, किसी इक्वेशन में ओनली अगर एक्स की वैल्यू दी है तो वो कुछ भी दी है, 1 2 3 0 नहीं, 1 2 3 कुछ भी, 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर सिर्फ वाई की वैल्यू दी है
तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये बस चीज याद रखो आप, अगर दोनों वैल्यूज दी हैं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा टेढ़ा बनेगा जो एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगा और वाई को भी करेगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता। पैरेलल लाइन सिर्फ तभी बनती है जब ए की वैल्यू दी हो। कौन सी वैल्यू दी हो? अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू दी होगी, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई की वैल्यू दी होगी। तो इस केस में हमें वाई एक्सिस के पैरेलल बतानी थी, तो उस केस में आंसर क्या होगा? एक्स इक्वल टू वन। और अगर आपको याद हो लास्ट वाली एक्सरसाइज जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और वन वेरिएबल में ड्रॉ कर करके देखे थे ग्राफ, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि जब हम एक पॉइंट पे कोई भी वैल्यू ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। अगर आप एक्स एक्सिस पर करोगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर आप वाई एक्सिस पर करोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक्स की वैल्यू दी है तो वो वाई के पैरेलल होगी, और अगर वाई की वैल्यू दी है तो वो एक्स के पैरेलल होगी। यस, वो स्ट्रेट लाइन बनती है। गॉट इट? ये चीज याद रहेगी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई की वैल्यू दी होगी, ओनली वाई की वैल्यू, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ओनली एक्स की वैल्यू दी होगी। यहाँ पर ओनली वाई एक्सिस के पैरेलल बतानी थी, तो आपको कौन सी वैल्यू देखनी है जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू दी हो, जो कि क्या है? ये है, इन तीनों में वाई आता है। समझ आ गया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत गड़बड़ करी बच्चों ने। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आप इनको ट्रांसपोज करोगे। 10th वाले बच्चे थोड़ी देर बैठे रहो। रूट टू एक्स प्लस रूट फाइव, इसको भी धर ले जाते हैं माइनस का रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो। तो रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस रूट फाइव इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू रूट टू आई, बी की वैल्यू माइनस रूट थ्री आई, और सी की वैल्यू रूट फाइव आई। तो डेट वॉज दी ऑप्शन, रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट फाइव, रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट फाइव, ये होगा ऑप्शन सही स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको एक बार रिवाइज कर लेना स्टैंडर्ड फॉर्म को। इसको मैं ज्यादा नहीं समझा रहा क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज रिवाइज करनी है लीनियर इक्वेशन वाली। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह से आ जाता है और आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग टाइप से ए बी सी की वैल्यू, जो कि आपको बतानी होगी। फाइन? ये क्वेश्चन ही गलत था क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं दी हुई थी जो इसको सेटिस्फाई करे। इसमें देखो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस थ्री। वाई की वैल्यू दे रखी है थ्री। इसमें से किसी में भी पुट करके क्या आंसर आ रहा था आपका? क्या इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके अगर मैं यहाँ पर माइनस थ्री पुट करूँ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव थ्री, यहाँ पर थ्री पुट करूँ तो ये थ्री हो जाएगा, तो इसका आंसर नाइन है विच इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर मैंने वाई के प्लेस पर थ्री पुट किया, एक्स के प्लेस पर माइनस थ्री पुट किया, तो ये पॉजिटिव थ्री हो जाएगा, तो थ्री इक्वल टू सिक्स आएगा विच इज नॉट पॉसिबल। इसमें भी पुट करोगे तो विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट था ही नहीं, गलत। और मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन ने पूछा कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वंश ने शायद, यस। तो बाकी किसी ने नहीं पूछा। बच्चों जब आपको क्वेश्चन गलत लगता है, अगर लग रहा है आप देख रहे हो, तो प्लीज आस्क मी कि सर ये क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे हिसाब से है नहीं। प्लीज अपना डाउट मेरे को बताया करो, सो डैट मुझे ये खुशी हो कि एटलीस्ट आप ट्राई करके देख रहे हो और आप क्वेश्चन में कमी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में कमी निकालने का मतलब यही होता है कि आप क्वेश्चन जानते हो और उसके ऑप्शंस को भी जानते हो और आपको पता है कि इसमें वो ऑप्शन नहीं है। तो प्लीज आस्क मी उस इन दैट केस। हो सकता है उस केस में आपको ना दिख रहा हो वो ऑप्शन, लेकिन वो वहां प्रेजेंट हो तो मैं आपको क्लियर करूं, या फिर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो तो वो क्लियर करूं, मीन्स एक्सप्लेन करूं आपको एटलीस्ट। इस केस में इसकी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ क्या होती? एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस थ्री। वाई की वैल्यू थ्री, आंसर जीरो आ जाता। तो ये इक्वेशन होती तो यस वो बिल्कुल आंसर इसका होता, ठीक है। तो वेन एवर यू थिंक, प्लीज ऐसे मत सोचना कि सर ने दिया है तो हम कैसे सर से पूछे कि गलत हो सकता है। बिल्कुल पूछो, आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो बिल्कुल करो, अगर आपको लगता है आपका आंसर सही है या फिर इसमें क्वेश्चन गलत है, लेकिन पूछो बताओ सो डैट मैं आपको क्लियर कर सकूं। उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप मुझे बता रहे हो कि सर आपका क्वेश्चन गलत है, तो उसका मतलब ये नहीं आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो या फिर आप कुछ डिग्रेड कर रहे हो अपने आप को। नो, क्वेश्चन
कुछ भी हो सकता है, तो आप एटलीस्ट क्लियर करो। एग्जाम में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, आप तो टीचर को भी नहीं बोल पाओगे कि क्वेश्चन गलत दिया था, मार्क्स हमारे काट लिए, है ना। सो जब भी गलत हो मुझे भेज कर, डाउट हो आपको, गलत हो या ना हो, आपको डाउट हो सर ये क्वेश्चन शायद गलत है, या इसके ऑप्शंस गिवन नहीं है, या हमने ये चूज किया था आपने गलत क्यों किया, प्लीज डू आस्क मी सो डैट मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इसमें आंसर बिल्कुल सबके सही थे एक का छोड़ के, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकालना था, जिसमें आंसर यही आया था 5 + 2 = 7 होता है, तो सी इज दी ऑप्शन। इसको समझाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है किसी को भी। एक्स के प्लेस पर 5 पुट किया, यहाँ पर पुट कर करके देखो क्या वो 7 के इक्वल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसको पुट करके देखोगे 7 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। इसमें पुट करके देखोगे बिल्कुल आएगा, तो यही ऑप्शन हो गया। इतने इजी क्वेश्चंस भी अगर नहीं कर पा रहे हो आस्था एंड यश, तो फिर पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज करो। लीनियर इक्वेशन जब भी 2 वेरिएबल्स की होती है तो वेरिएबल्स के कॉफिशियंट 0 नहीं होने चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है। ये 0 नहीं होते हैं जब 2 वेरिएबल्स की होती है, 1 वेरिएबल की हो तो 1 वेरिएबल के साथ का कॉन्स्टेंट जो होता है वो नहीं होना चाहिए, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो हमेशा याद रखना 2 वेरिएबल्स की जो फॉर्म होती है उसमें ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। श्रेयस, आर्यन एंड आस्था, ये अगेन देखो टू, क्या ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है? यस है, तो इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे? ऑब्वियसली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसमें जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 वेरिएबल की ही इक्वेशन होगी, 3x - x - y + 1, दैट इज 2x - y + 1 = 0। 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है तो क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यस, हंसना नहीं है, इतने इजी क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन आज की रिकॉर्डिंग जो थी वो मैंने